दाता। पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, तू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है, वो अपने खेतों में भी समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है, वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए पहले क्या है आज के अन्नदाता में। मूंग की फसल से जरूरी कार्य करके लिए अधिक पैदावार। अपने राज्य में बाजरे की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और किसान इसकी खेती करके दाने और चारे का अधिक उत्पादन भी लेते हैं, लेकिन इस फसल में कई तरह की कीट और रोगों का प्रकोप मुख्य रूप से देखा जाता है, जिसका यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। तो बाजरे की फसल में कौन कौन से कीट और रोग लगते हैं और इनकी रोकथाम कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टाकरडा के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान खान। नमस्कार किसान भाइयों, बाजरा क्षेत्र की एक प्रमुख फसल है। बाजरे की जो फसल किसान करते हैं तो उनमें लगने वाले विभिन्न प्रकार के कीड़े और बीमारियां वो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो उनमें कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं, क्या उनके पहचान के लक्षण हैं तथा कैसे उनका प्रबंधन किया जाए, उस विषय पर आज अपन बात करेंगे। प्रारंभ में अगर बात करें तो बाजरे की अगर प्रमुख बीमारी है तो जो हरित बाली रोग या जिसको तुलसीता बोलते हैं वो बीमारी सबसे प्रमुख है। ये एक बीज जनित और मिट्टी जनित बीमारी है। बुआई के 30 से 35 दिन बाद में जो पत्तियां हैं उस पर पीले रंग की धारियां दिखाई देती हैं, वो धारियां आपस में मिलके पूरी पत्ती वो पीली हो जाती है। पत्ती की विपरीत अगर आप मोड़ के देखते हैं तो उसके ऊपर दूसरे रंग के जो स्पोर हैं वो आसानी से देखे जा सकते हैं। जैसा कि एक बीज जनित बीमारी है तो उसके प्रबंधन के लिए बीजोपचार अति आवश्यक है। किसान भाई बुआई से पूर्व बाजरे को मेटालेक्जिल 35% से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीजोपचारित करेंगे तो इस बीमारी का काफ़ी हद तक वो प्रबंधन कर सकते हैं। साथ ही बुआई के 30 या 35 दिन पश्चात मेटालेक्जिल प्लस मैनकोजेब 2 लीटर के हिसाब से छिड़काव है वो भी काफ़ी उपयोगी है वो पाया गया है। अन्य अगर बीमारियों की बात करें तो उनमें अर्गट बीमारी है, वो भी एक प्रमुख बीमारी है। अर्गट बीमारी है, जैसे ही सिट्टा बनता है तो उस समय इस बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। प्रारंभ में सिट्टे के ऊपर शहद की जो बूंदे होते हैं उस तरह के समान बूंदे दिखाई देती है, बाद में वो बूंदे अपना रंग परिवर्तित करके भूरे से काले रंग की हो जाती है तथा कठोर हो जाती है। किसान है जैसे ही बाजरा निकालते हैं तो वो जो प्रभावित सिट्टे हैं साथ में मिल जाते हैं और अगले साल का जो बीज है वो दूषित हो जाता है या कंटामिनेटेड हो जाता है। तो इस रोग के प्रबंधन के लिए किसान भाई 20% नमक का घोल बना के बाजरे के बीज हैं उनको डुबो के रखें तो जो प्रभावित जो बीज है उस पर स्क्लेरोसिया है वो उसके ऊपर तैरने लग जाएगा और जो बीज है वो शोधित हो जाएगा। तो इस तरीके से किसान भाई है वो अर्गट को प्रबंधन है वो आसानी से कर सकते हैं।
इसके अलावा बाजरा की अर्गट रोगरोधी किस्मों का चयन करके बुआई करनी चाहिए। ऐसा करने पर आपकी फसल में अर्गट रोग की समस्या नहीं आएगी। और किसान भाइयों, यदि आपको खड़ी फसल में इस रोग के लक्षण देखने में हैं, तो आप ऐसे रोग से ग्रसित सिट्टों को तोड़कर नष्ट कर दें और फसल में मैंकोजेब 2 ग्राम की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग का नियंत्रण कर सकें। अगर अन्य बीमारियों की बात करें तो स्मट भी एक प्रमुख बीमारी है। स्मट जो बीमारी है उसमें जैसे दाने बनते हैं, तो सामान्य जो दाने होते हैं वो दूसरे रंग के होते हैं, पर स्मटेड जो दाने होंगे वो प्रारंभे हरे होते हैं, बाद में वो रंग परिवर्तित करके भूरे से काले हो जाते हैं, और उन दानों के अंदर काले रंग का पाउडर होता है। जैसे उन दानों को फोड़ते हैं तो काले रंग का पाउडर उठता है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर स्मट की समस्या ज़्यादा है, वहाँ पुष्पन के समय या फूल आते या सीटा बनते समय प्रोपेकोनाजोल 1 ml/L के हिसाब से स्प्रे करना है, वो काफ़ी उपयोगी साबित हुआ है। अगर कीड़ों की बात करें तो प्रमुख कीड़ा है वो सफेद लट है। सफेद लट एक भूमिजनित कीट है। किसान भाइयों, बाजरा की फसल में सफेद लट कीट काफी देखने में आ रहा है। ये कीट पौधे की जड़ों को काट देता है, जिसके चलते पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं और खेतों में कई जगह खाली घेरे बन जाते हैं, जिस कारण किसान भाइयों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरह बचने के लिए आप इस कीट का समय रहते नियंत्रण करें। इसके प्रबंधन की किसान भाई का जो बीज है उसको बीजोपचारित करना चाहिए। बीजोपचार के लिए इमिडाक्लोप्रिड 600 FS 6 से 6.5 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीज उपचारित करके लगाएं। और खड़ी फसल की अगर बात करें तो खड़ी फसल में मानसून के 20 या 21 दिन बाद में 300 ml इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL प्रति हेक्टर के हिसाब से अनुशंसा है, तो खड़ी फसल में सफ़ेद लट को इस तरीके से है वो नियंत्रित किया जा सकता है। अन्य अगर कीटों की बात करें तो ग्रास ऊपर या फड़का, ये भी एक प्रमुख कीट है। ये जो कीट है मेड़ों पे अंडे देते हैं और मेड़ों से इनका जो चलन है वो प्रारंभ होता है। तो मेड़ों के ऊपर अगर किसान भाई है वो स्प्रे कर देते हैं तो उनके अंडे और उनकी जो छोटी होपर अवस्था है वो ख़त्म हो जाती है। खड़ी फसल में किसान भाई क्लोरपाइरीफॉस 50% 1 से 1.5 ml/L के हिसाब से स्प्रे करके इस जो प्लांट ऊपर या फड़का है इसको आसानी से वो नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अव्यवस्थाओं का आलम ऐसा कि लोग वहां पर धक्का मुक्की करते परेशान होते नजर आए। जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार की जांच के नाम पर मिलीभगत का खेल, एक दर्जन फर्जी सर्टिफिकेट के बजाय केवल 5 सर्टिफिकेट की जांच कर रही ईडी। राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने आज आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप के सदस्यों की बैठक ली और उन्हें शांति और सौहार्द बनाए रखने की भूमिका में। डिडवाना जिले में 1 महीने से बारिश नहीं होने से फसलें चौपट हो रही हैं, यहां के किसान ने गिरदावरी कराने की मांग की। दौसा में बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा को लेकर बैठक ली, ये बैठक बीजेपी के दौसा शहर मंडल अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई। करौली में राजस्व कर्मचारियों के साथ सूत्री मांगों को लेकर पेन डाउन हड़ताल 8वें दिन भी जारी रहा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता। अपने राज्य में डेयरी लगातार उभरता हुआ व्यवसाय बन रहा है और पशुपालक इसे अपनाकर अच्छी आय भी कमा रहे हैं, लेकिन बारिश के मौसम में इन पशुओं में कई तरह की समस्याएं भी आती रहती हैं, क्योंकि इस मौसम में भले ही हरे चारे की अधिकता हो लेकिन आमतौर पर अधिकांश चारा दूषित या विषाक्त होता है। इसको खिलाने से पशुओं में कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होने लगती हैं। ऐसे में अपने पशुओं को इन समस्याओं से कैसे बचाएं, आइए जानते हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर शशांक शेखर से।
पोषक तत्वों के कारण हरे चारे को सर्वोत्तम आहार माना जाता है। वर्तमान में व्यावसायिक फसलों का रकबा बढ़ने से हरा चारा कम होने लगा है। चारे की फसलों में बुआई के बाद है और चारा मुरझाकर सूखने लगता है। अविकसित और मुरझाए हुए चारे में जहरीले तत्व होते हैं, खासकर ज्वार, बाजरा, मक्का आदि चारे में इस प्रकार की विषाक्तता पाई जाती है। इससे पशुओं में आहार विषाक्तता बढ़ जाती है। ठीक इसके विपरीत जल भराव वाले क्षेत्रों में चारा कई प्रकार से दूषित होता है, जिनमें परजीवियों से और अधिक नमी के कारण रखा हुआ चारा या दाना कवक से दूषित हो जाता है, जिसका सेवन करने से पशुओं में आफरा की समस्याएं होने लगती है। कभी कभी जो है बरसात के मौसम में, चूँकि बरसाती चारे जो पानी में डूबा हुआ रहता है, चूँकि 100% जो है, चूँकि उसमें कीड़ा जो होता है बरसात के पानी में जो तैरता है कीड़ा, जिसमें लीवर फ्लूक का ज़्यादा प्रकोप होता है, तो उसका अंडा जो है सो वो एक घोंगा जो होता है बरसात के समय निकलता है, उसका इंटरमीडिएट होस्ट है, और वो घोंगा जो अंडा छोड़ता है तो वो घास के पत्ते पर जमा हो जाता है, वही घास किसान बंधु काट के खिलाते हैं, वो पनपता है और वो मवेशी के अंदर चला जाता है, वहाँ से वो अपना लाइफ साइकिल पूरा करके सेकेंडरी सिम्टम देता है, और वही एक कारण है मवेशी का बीमार होने का। या जो गांव घर में जो है या रखते हैं, तो उस केस में होता क्या है, उसमें फंगल ग्रोथ ज़्यादा होता है, धूप नहीं लगने है, सो किसान बंधु अपने मवेशी को खिलाते हैं और वो भी एक फर्मेंटेशन और गैस बनाता है, और चूंकि गैस का एक अपना बायंसी प्रेशर होता है, उसके उस केस में भी जो है सो पेशाब पे खाना बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यूरिया उपचारित चारे के अधिक सेवन से भी पशु बीमार हो सकते हैं, इसलिए एक निश्चित मात्रा में ही यूरिया उपचारित का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें, नहीं तो इन सभी के कारण पशुओं को काफी तकलीफ होती है। पशु बेचैन रहता है, उसके मुंह से लार निकलती है, पशु खाना पीना बंद या कम कर देता है, उसे सांस लेने में कठिनाई होती है, पेट में अधिक गैस बनने लगती है, पशु को पतले दस्त होने लगते हैं, या इसके विपरीत पशु गोबर नहीं कर पाता, और कभी कभी तो इन सभी कारणों से पशुओं की मौत भी हो जाती है। दूसरे हम लोग की एक सलाह है कि बरसात के मौसम में हो सके तो चारा जो है, जो डूबा हुआ बरसाती चारा है, उसको ना खिलावें। जो चारा मॉइस्चर युक्त है, जिसमें फंगल ग्रोथ है, उसको जो है सो ना खिलावें। उसमें से थोड़ा सा क्या कहते हैं कि धूप निकलने के बाद उसमें उसको झाड़ के थोड़ा सा यूरिया का उपचार करते हुए उसको खिलाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ खाना खिलाने हमारी मवेशी स्वस्थ रह सकती है। पशुओं में खाद जन्य विषाक्तता से बचाने के लिए पशुपालकों को सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे पशुओं को जल भराव वाले क्षेत्रों में चरने के लिए ना ले जाएं, खासकर बरसात के दिनों में पशुओं को हरा चारा अच्छी तरह से धोकर या साफ करके खिलाएं, सूखा आहार दाना या चारा साफ स्थान पर रखें, पशुओं को आहार देने से पहले देख लें कि उसमें कहीं किसी प्रकार की फफूंद का प्रकोप तो नहीं हुआ है, पशुओं को समय समय पर कृमि नाशक दवा दें, यूरिया उपचारित चारे का अधिक प्रयोग पशु के आहार में करें, अगर चारे में यूरिया विषाक्त हो गई तो पशु को सबसे पहले 25 से 30 लीटर स्वच्छ पानी पिलाएं, पानी में थोड़ा गुड़ व शीरा मिला दें, साथ ही 100 से 200 मिलीलीटर एसिटिक एसिड सिरका 2 से 5 लीटर पानी में मिलाकर पशु को पिलाएं, पशुओं को साफ और स्वच्छ पानी पीने को दें, रोगी पशु को तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय में दिखाएं, किसी भी दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह से ही करें। बढ़ने पर होता क्या है, जैसे इस मवेशी के बारे में ही हम लोग देख रहे हैं कि अगर सबसे पहला हम लोग का ये था कि पेट में गैस है, तो गैस जो है चूँकि रूमिनल गैस है, तो उस गैस को हम लोग चूँकि ये गैस आगे की तरफ प्रेशर डालेगा, आगे की तरफ प्रेशर डालेगा तो वो लंग्स पे ही प्रेशर डालेगा, लंग पे प्रेशर डालेगा तो वो रेस्पिरेटरी फेलियर के ज़्यादा चांस होती है। तो हम लोग का फर्स्ट मोटो होता है गैस को किसी तरह रिलीज करवाना, वो चूँकि गैस पीछे से पास नहीं कर पाई है, उस कंडीशन में हम लोग रूमेन को ही पंक्चर करके और गैस को बाहर निकालने की कोशिश किए हैं, और गाय को रिलीफ देना ये चीज़। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी उपचार करते हैं, उसमें एंटीबायोटिक देते हैं, कुछ लग्जेटिव देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इस तरह का लक्षण पता करने से ही हम लोग अंतिम अंजाम पे पहुंचते हैं कि एक्चुअली गाय को क्या हो सकता है, उसी के हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जुनू के सिंघाना थाना इलाके के मुरादपुर गांव में रविवार को रिटायर्ड फौजी
अमीलाल पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। जयपुर में ट्रैफिक से निजात पाने के लिए सरकार सीकर रोड पर, अजमेर रोड पर, टोंक रोड पर और आगरा रोड स्टैंड बनाने की योजना में है। प्रदेश में बीजेपी की तीसरी परिवर्तन यात्रा का आज से आगाज हुआ। इसकी केंद्रीय रक्षा राजनाथ सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे पहुंचकर की समाधि के दर्शन किए। सीएम अशोक गहलोत अपने जोधपुर दौरे के दूसरे दिन सर्किट हाउस में विधायकों से मुलाकात करते नजर आए। परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ओला ने दीनदारपुरा गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दीनदारपुरा से निकलने वाली सीकर रोड पर नवीन बस स्टैंड का उद्घाटन किया। कोटा की ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। खरीफ मौसम में मूंग की खेती अपने राज्य में कई किसान भाई करते हैं और जिन किसानों ने मूंग की फसल लगा रखी है उनकी फसल अभी फलियों की अवस्था पर है और इस फसल से अच्छा उत्पादन को फसराई और कीट रोग नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आप किस तरह से करें इन सभी कार्यों को, इस बारे में जानकारी डॉक्टर राजपाल सिंह तोमर। की फसल में इस समय जो सामयिक कृषि क्रियाएं हैं उसके लिए मैं आपको सलाह देना चाहता हूं। किसी भी फसल की वृद्धि व विकास में सिंचाई का अहम योगदान होता है, इसलिए आप मूंग की फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और खेत की मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए फसल की जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। जल का प्रबंधन कैसे करें, या जल का प्रबंधन करने के लिए जैसे अगर मान लो लंबा ड्राई स्पेल आ जाता है, पानी 15-20 दिन नहीं गिरता है, तो जो आपने जो गुड़ाई करी है, जो आपने वो आपको नमी संरक्षित करने का कार्य करती है और हमारी फसल बिल्कुल प्रभावित नहीं होती है। अगर मॉइस्चर स्ट्रेस आता है, ड्राई स्पेल कहीं आ जाता है, लंबा पानी नहीं गिरता है 15-20 दिन, तो हल्की सी सिंचाई देने की भी उस के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखें। भारी मिट्टियों में वैसे जनरली बरसात की फसल में आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर अधिक पानी गिरता है, आग्रह करूँ पानी निकासी की व्यवस्था आवश्यक रूप से करें। इसके अलावा मूंग की फसल में इलियों का प्रकोप होता है। यह इलियां पहले मूंग की कोमल पत्तियों और टहनियों और फूलों को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं और फली आने पर फलियों में छेद करने पर दाने को खराब कर देती हैं, जिससे मूंग के पौधे का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि कीट प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए आप इंडोस्कार्ब दवा की मिलीलीटर मात्रा के प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें तो इलियों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। पीला मोजेक रोग जैसा भी उड़द मूंग की जहां तक बताती है, तो मूंग में मैं आपको बता दूं, जहां जहां हमारे खेतों में पीले पौधे दिखाई दे रहे हैं, पीले पत्ते दिखाई दे रहे हैं, उनको तुरंत उखाड़ के आप खेतों में दबा दें और उनको नष्ट कर दें। और दूसरा, अगर कहीं भी अगर ज़्यादा पीले पौधे दिखाई दे रहे हैं आपको, या हट फ्लाई का अटैक दिख रहा है जो पीला मोजेक वायरस को फैलाती है, उसके कंट्रोल करने के लिए आपको इमिडाक्लोपिड जो आता है मार्केट में 100 ml पर हेक्टेयर की दर से अगर आप इसका स्प्रे करेंगे तो हमारे खेतों में हट फ्लाई पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाएगी और पीला मोजेक रोग से भी बचाव आपका हो जाएगा। मूंग में आप अगर 2 स्प्रे अगर करेंगे इसके, तो आपका पीला मोजेक 100% कंट्रोल हो जाएगा और आपके मूंग की फसल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो इसी प्रकार से जो मेरे द्वारा बताई गई जो आपकी टेक्नोलॉजी है, उसको अगर आप उपयोग करेंगे, उस तरीके से अगर आप मूंग की आप खेती करेंगे, तो आपको उत्पादन काफ़ी अधिक प्राप्त होगा। और उत्पादन की जहाँ तक बात है, तो मूंग का उत्पादन आपका 10 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर तक आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक रूप से हमारी अन्य फसलों की तुलना में मूंग हमारी फसल बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगी।
और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से हमने कार्यक्रम में शामिल किया है, उसे पूछा है ग्राम कोटड़ी जिला सवाई माधोपुर के कृषक दिनेश कुमार ने। ये खसकी उन्नत जानकारी चाहते हैं। तो दिनेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। खस एक औषधीय फसल है जिसे अंग्रेजी में वेटिवर के नाम से जानते हैं। इसकी इतनी खासियतें हैं कि इसे प्रकृति का अनुपम उपहार माना जाता है। हमें इस उपहार को सहेजने की जरूरत है। कुछ वर्ष पहले भारत में खस के ठठर काफी लोकप्रिय थे, जो लू के तफेड़ों से बचाने के लिए दरवाजों और खिड़कियों पर पर्दे के रूप में लगाए जाते थे, जिसका आज भी प्रयोग एयर कूलर में किया जाता है। इसके अलावा इसकी जड़ों से तेल निकलता है, जिसका उपयोग महंगे इत्र, सुगंधित पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधनों और दवाइयों में पर यह खस अपने आप उग जाती है। यह हर प्रकार की मिट्टी में पैदा हो सकती है और सेंटीग्रेड तापमान वाले क्षेत्रों में आसानी से पैदा होती है। इसकी खेती सकते हैं, लेकिन बरसात में खेती करना काफी अच्छा होता है। किसान भाइयों, अगर उर्वरक के प्रयोग की जरूरत नहीं होती है, यदि मिट्टी कम उपजाऊ है, तो उस दशा में आप गोबर की खाद का प्रयोग करके उसके बाद रोपाई कर सकते हैं। सीमैप लखनऊ से खस की कई उन्नत किस्में विकसित हुई है, जिसमें 6 महीने में तैयार होने वाली किस्म भी शामिल है। किसान भाइयों, 18 महीनों में तैयार होने वाली फसल से 1 एकड़ में 10 किलोग्राम तेल निकलता है और 1 साल वाली फसल में से 8 से 10 किलोग्राम, वहीं 6 महीने की किस्म से 5 से 6 किलोग्राम तेल निकलता है। किसान भाइयों, खस की उन्नत किस्में इस प्रकार है: KS1 केशरी, सीमैप खस 15, सीमैप समृद्धि, धारिणी, सीम वृद्धि, सीमैप खस 22 है। किसान भाइयों, इसकी रोपाई पुरानी फसल से स्लिप लेकर की जाती है, जिसमें लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं और रोपाई के बाद फसल की विशेष देखरेख की जरूरत नहीं होती है। किस्मों के अनुसार 6 से 18 माह पर आप इसकी खुदाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अच्छी उपज और मौसम की मार से उपज को बचाने के लिए आप रोपाई ऐसे समय पर करें कि खुदाई का समय जनवरी या फिर फरवरी में आए। गर्मी या बरसात में खुदाई करने पर आपको नुकसान हो सकता है। जहां तक उत्पादन की बात है, तो 1 एकड़ एरिया से 4 से 5 क्विंटल तक जड़ की उपज मिलती है, जिससे लगभग 7 किलोग्राम तेल निकाला जा सकता है। यह उपज 1 साल में तैयार होने वाली किस्मों की है। अन्य किस्मों की उपज कम या अधिक हो सकती है। किसान भाइयों, इसके तेल का बाजार भाव इस समय लगभग 15,000 रुपए प्रति लीटर है। इस तरह से 1 एकड़ में तेल से 1,05,000 रुपए तक आय होती है और इसकी खेती में प्रति एकड़ 25,000 से 30,000 रुपए तक आती है। इस लागत का 80% खर्च तेल निकालने में होता है। किसान भाइयों, तेल निकालने के बाद इसकी बची जड़ों का उपयोग हैंडीक्राफ्ट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा फसल के ऊपरी भाग का प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है और इसके फूल से अच्छी क्वालिटी का झाड़ू भी तैयार किया जा सकता है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि अगर बाजार की सही व्यवस्था हो, तो 1 एकड़ से आप लाखों की आय ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती और बाजार व्यवस्था की अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ में संपर्क कर सकते हैं।
और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataRajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। पति की जान, पत्नी का प्रेम प्रसाद।